योगी जी, मैं आपसे इस बारे में भी पिछली बार पहले भी चर्चा कर चुका हूं। मैंने आपसे सवाल किया था कि आपका मुसलमानों से क्या रिश्ता है। मैं उसी सवाल को थोड़ा आगे ले जाना चाहता हूं कि मुसलमानों को आप कैसे जोड़ेंगे अपने साथ। मोदी जी भी आजकल कोशिश कर रहे हैं कि जो है पसमांदा मुसलमानों को जो है अपने साथ जोड़ा जाए। ये भी गरीब वर्ग है, पिछड़ा हुआ वर्ग है, इसको भी अपने संग जोड़ा जाए, तो आप इनको कैसे जोड़ेंगे? देखिए, किसी को जोड़ने के लिए व्यक्ति, जाति, मत और मजहब नहीं, बल्कि शासन की योजनाओं के माध्यम से उनके साथ सीधे संवाद का कार्यक्रम। और आज उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था अच्छी हुई है, पर्व और त्यौहार शांतिपूर्ण तरीके से मनाए जा रहे हैं। अगर हिंदुओं के शांतिपूर्ण तरीके से कार्यक्रम हो रहे हैं तो मुसलमानों को भी शांतिपूर्ण तरीके से हो रहे हैं। आज सुरक्षा का एहसास, अगर हिंदू बेटी सुरक्षित है तो मुस्लिम बेटी भी सुरक्षित है, तो हर व्यक्ति को इन चीज़ों का लाभ मिल रहा है। उनको एहसास हो रहा है कि सुरक्षा और सुशासन का लाभ किस रूप में आगे मिल सकता है, ये चीज़ें उनको देखने को मिल रही, तो उसका लाभ सबको मिल रहा है। और ये जुड़ने का सबसे अच्छा माध्यम, दूसरा शासन की योजनाएं, कोई भी योजना हो, बिना भेदभाव के योजनाओं का लाभ उनको प्राप्त हो रहा है। ये नहीं, पिक एंड चूज नहीं कि ये मेरा है तेरा है, ये नहीं हो सकता है। जिस दिन लोकतंत्र की सबसे पवित्र भावना तुष्टिकरण नहीं है, लोकतंत्र की सबसे पवित्र भावना है कि समभाव से हम शासन की योजनाओं का लाभ सबको दें और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, यही लोकतंत्र का मूल भाव भी है और यही जोड़ने का एक आधार भी है। आरएसएस के मोहन भागवत जी ने कुछ दिनों पहले कहा था कि हिंदुस्तान में मुसलमानों को डर के रहने की ज़रूरत नहीं है, इस्लाम को यहाँ कोई थ्रेट भी नहीं है, मगर उनको अपना एटीट्यूड थोड़ा बदलना पड़ेगा। हम बड़े हैं, हम एक समय राजा थे, हम फिर से राजा बनना चाहते हैं, ये छोड़ना पड़ेगा। क्या आप इस बात से सहमत हैं? हाँ, माननीय सरसंघ चालक जी ने जो बात कही है एकदम सही परिप्रेक्ष्य में कही है। हमें तो भारतीय दृष्टिकोण को अपनाना पड़ेगा। अगर हम भारतीय हैं, सब हर नागरिक को जाति, मत और मजहब से ऊपर उठ करके पहले अपने को एक भारतीय नागरिक मानना पड़ेगा अपने आप को। और भारत का दृष्टिकोण भी यही कहता है कि ये मेरा है, ये पराया है, ये तो छोटी बुद्धि के लोग करते हैं। विराट सोच वालों के लिए तो पूरी दुनिया ही एक परिवार है। तो सबको एक समग्र दृश्य देखने का प्रयास अगर हम करेंगे तो कहीं कोई विवाद ही नहीं होगा।